नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में अनलॉक 4 में स्कूल, कॉलेज और रेस्टोरेंट को मिली राहत। बिहार में हफ्ते में 4 दिन ही लगेंगे कोरोना के वैक्सीन। 23 साल की उम्र में विधायक बनने वाले रामविलास पासवान की आज है जयंती। आज RJD पार्टी के स्थापना होने के 25 साल हुए पूरे। मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए भारी बारिश होने का जारी किया अलर्ट। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में अनलॉक 4 में स्कूल, कॉलेज और रेस्टोरेंट को मिली राहत। बिहार में कल से शुरू होने वाले अनलॉक 4 में स्कूल, कॉलेज व रेस्टोरेंट को बड़ी राहत मिल गई है। आज अनलॉक 3 का आखिरी दिन था, इसलिए CM नीतीश कुमार ने अब अनलॉक के चौथे चरण यानी कि अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया है, जिसमें आम लोगों के लिए बड़ी रियायतें दी गई है। इसके तहत CM ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब राज्य में सरकारी और निजी सभी तरह के ऑफिस पहले की भांति ही पूरी क्षमता के साथ सामान्य तौर पर खुलेंगे। वहीं अनलॉक 4 में 11वीं, 12वीं और इससे ऊपर के छात्र छात्राओं के लिए शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, यानी कि 10वीं से नीचे के स्टूडेंट के लिए स्कूल इस फेज में नहीं खोले जाएंगे। साथ ही साथ रेस्टोरेंट और खाने नाश्ते की दुकानों को भी खोलने की इजाजत चौथे चरण के अनलॉक में दी गई है। इस जानकारी से विस्तृत गाइडलाइन सरकार जल्द ही जारी करेगी। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन समूह और आला अधिकारियों से विचार विमर्श कर बैठक के बाद CM नीतीश कुमार ने जानकारी को ट्विटर पर साझा किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि अभी स्कूल, कॉलेज व अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों को सीनियर बच्चों के लिए आधी क्षमता के साथ और रेस्टोरेंट को 50% की क्षमता के साथ ही संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही 18 से ज्यादा उम्र वाले छात्र छात्राओं और शिक्षण संस्थानों के स्टाफ के टीकाकरण पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही सरकारी व निजी कार्यालयों में भी टीका प्राप्त कर्मी ही कार्यालय आ सकेंगे। बिहार में हफ्ते में 4 दिन ही लगेंगे कोरोना के वैक्सीन। अगर आप भी बिहार में वैक्सीन लगवाने के लिए किसी खास दिन की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले यह खबर ध्यान से सुन ले। बिहार में हफ्ते में 4 दिन ही कोरोना के वैक्सीन लगाए जाएंगे। संक्रमण की कमजोर होती रफ्तार के बीच बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब सिर्फ सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही वैक्सीन लगाए जाएंगे। वहीं रविवार को विशेष परिस्थिति में ही वैक्सीन दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक यह फैसला वैक्सीनेशन के काम में लगे हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को भीषण गर्मी के दिनों से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। जबकि कुछ लोगों को यह लग रहा है कि राज्य में टीका की कमी को लेकर हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले पर अमल कई जिलों में बीते दिन रविवार से ही शुरू हो गया। रविवार को लखीसराय, मधेपुरा, भोजपुर, सिवान, बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण में किसी को वैक्सीन नहीं दी गई है। 23 साल की उम्र में विधायक बनने वाले रामविलास पासवान की आज जयंती। बिहार की राजनीति से चलकर देश की राजनीति में प्रमुख स्थान बनाने वाले रामविलास पासवान की आज जयंती दिवस मनाई जा रही है। दिवंगत नेता रामविलास पासवान दलित समुदाय के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। उनका जन्म खगड़िया जिले में आज ही के दिन साल 1946 में हुआ था। रामविलास पासवान एक मेधावी छात्र थे। साल 1969 में MA पास करके वे दारोगा के लिए चुन लिए गए थे। ट्रेनिंग में जाने के दौरान उस समय सोशलिस्ट पार्टी से उन्हें अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आया, जिसके बाद दारोगा की नौकरी छोड़ वे सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से खगड़िया के अलौली सीट से चुनाव लड़े और महज 23 साल की उम्र में जीत कर विधायक बन गए। 1977 में वे हाजीपुर आए और इसी को अपनी कर्मभूमि बना लिया। आज पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में उन्हीं की देन है। अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर में वे 6 सरकारों में मंत्री बने और 9 बार सांसद बने रहे। रामविलास पासवान ऐसे एकमात्र नेता थे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर काम किया। बिहार में 10 दिनों में कोरोना के मामले हुए आधे। बिहार में आज अनलॉक 3 का आखिरी दिन है और इस दौरान राज्य में इसकी शुरुआत होने के दिन से कोरोना के मामले करीब आधे हो गए हैं। 24 जून को जहां 212 मामले सामने आए थे, वहीं 4 जुलाई को ये घटकर सिर्फ 109 हो गए हैं। यह अनलॉक 3 के दौरान सबसे कम आंकड़ा है। वहीं बीते दिन रविवार को मिले अपडेट के मुताबिक सबसे ज्यादा केस पटना में 20 नए मरीज के साथ मिले हैं, जबकि 8 जिलों में 1 भी केस सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा इस दौरान अन्य जिलों में 10 से कम ही मरीज पाए गए। बिहार में रिकवरी रेट में भी जबरदस्त सुधार हुआ है, जो कि 98.47% हो गया है। वह लगातार कोरोना की दूसरी लहर में घटते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग राहत की सांस ले रहा है। आधुनिक बिहार के निर्माता रहे अनुग्रह नारायण सिंह की आज है पुण्यतिथि। बिहार में आधुनिकता लाने की पहली सीढ़ी में जिन सुरमाओं का नाम आता है, उनमें सबसे ऊपर अनुग्रह नारायण सिंह का नाम आता है। साल 1957 में आज के ही दिन उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री के अलावे वे वित्त मंत्री भी रहे थे। हालांकि वे सादगी भरे रूप में अपनी राजनीति करने के लिए जाने जाते थे। यहां तक कि सरकारी यात्रा पर जाने के दौरान भी वे अपनी तनख्वाह से भोजन किया करते थे। वे तुरंत ही स्थानीय लोगों से घुल मिल जाते थे। पटना कॉलेज से पढ़ाई करने के दौरान गुलाम देश को आजाद
आजाद कराने का युवा जोश उन्हें राजनीति में खींच लाया और वे आजादी के आंदोलन में सक्रिय हो गए। चंपारण आंदोलन में भी वे एक वकील और क्रांतिकारी की तरह गांधी जी के साथ इस काम में लगे रहे। डॉक्टर सिंह ने बिहार में श्रमिकों के हितों के लिए अनेकों काम किए। पूसा में कृषि अनुसंधान फार्म उन्हीं की देन है। मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए भारी बारिश होने का जारी किया अलर्ट। बिहार में मानसून की स्थिति के बीच मौसम विभाग ने आज सोमवार और कल मंगलवार के दौरान उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दक्षिण पूर्वी भाग में सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया में भी ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण मध्य के पटना, बेगूसराय, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया व दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने की भी इस दौरान चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक एक ट्रफ लाइन राजस्थान से नागालैंड तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार होते पश्चिम बंगाल तक जा रही है। वहीं एक अन्य ट्रफ लाइन उत्तर पूर्वी बिहार से दक्षिण ओडिशा तक, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जा रही है, जिसके प्रभाव से सोमवार और मंगलवार को उत्तर बिहार में अनेक जगह पर वर्षा एवं कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। उद्योग विभाग ने इथेनॉल इकाई के लिए 95% तक लोन देने की करी सिफारिश। बिहार में उद्योग लगाने के लिए सरकार जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। खासकर इथेनॉल इकाई को लेकर बिहार सरकार को निवेश के लिए कई प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं और इन निवेश योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बैंकों का सहयोग भी बेहद जरूरी है, मगर बिहार को ऋण देने के मामले में बैंकों का रुख ज्यादा लचीला नहीं है, जिस वजह से सीएम नीतीश कुमार कड़ी नाराजगी जता चुके हैं। इसलिए अब बैंकों के रुख को लेकर उद्योग विभाग ने केंद्र से पहल करने की मांग की है, जिसके तहत केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के खाद्य एवं जन वितरण विभाग ने बिहार की इथेनॉल इकाइयों के लिए भी केंद्र की ही तर्ज पर 95% तक लोन दिए जाने की सिफारिश बैंकों से की है। बताते चले कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन इकाई लगाने के लिए उद्योग विभाग को 30,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें कई नामचीन कंपनियां भी हैं। अब तक करीब 10 इकाइयों को जमीन का आवंटन भी हो चुका है। आज आरजेडी पार्टी की स्थापना होने के 25 साल हुए पूरे। बिहार की राजनीति का अहम दल राष्ट्रीय जनता पार्टी ने आज अपनी स्थापना के 25 सालों को पूरा कर लिया है। इस मौके पर राजद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छाई हुई है। इस दौरान पार्टी के जनक लालू प्रसाद यादव वर्चुअल माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से जुड़े, जिसके कारण यह खुशी और भी दोगुनी हो गई। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि पार्टी का उत्साह जश्न को लेकर नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं को लेकर यह शंखनाद है। उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत रहा है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों के विकास को आगे बढ़ाना है, जिस पर ही आज तक हमारी पार्टी टिकी हुई है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राजद पार्टी लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाली है। आज की स्थिति इशारा कर रही है कि बिहार में बदलाव लाना कितना जरूरी हो गया है। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय पर हुआ केस। बिहार में कोरोना के मामले घट रहे हैं, बावजूद सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस को जारी किया है, जिसे सबको मानना है, मगर इसकी धज्जियां खुद भोजपुरी गायिका ने उड़ाई है। बिहार के छपरा जिले में गडका में भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय के भाई की शादी में जमकर नाइट कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, जिसे लेकर गायिका निशा उपाध्याय समेत मैरिज हॉल के संचालक सहित 103 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। बीती रात को ही शादी समारोह नाइट कर्फ्यू के दौरान डांस करने का उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर प्रशासन हरकत में आया और गड़का के CO के आवेदन पर थाने में FIR की कार्रवाई की गई। मालूम हो कि 6 जुलाई तक नाइट कर्फ्यू लागू है, जिसे सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया गया है। राजद के 25वें स्थापना दिवस पर जदयू ने दागे 25 सवाल। राष्ट्रीय जनता दल के 25 साल पूरे होने पर एक तरफ जहां राजद नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा तरह तरह के मंच से जदयू समेत बिहार की NDA गठबंधन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड ने इस मौके पर राजद से 25 सवाल दागे हैं। साथ ही लालू की विचारधारा पर भी हमला बोला। जदयू से MLC और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने इस मौके पर 15 वर्षों के लालू राबड़ी शासनकाल के दौरान बिहार की स्थिति को लेकर तेजस्वी यादव से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में बिहार के साथ क्या क्या हुआ। नीरज कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि परिवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है, लालू यादव बीमार हैं और परिवार से लेकर पार्टी तक पर किसका कब्जा हो, इसके लिए दाव पेच चल रहा है। मदन सहनी का समर्थन करने वाले जदयू नेता पर पार्टी ने कर दी बड़ी कार्रवाई। बीते दिनों अपने ही विभाग के अफसरों पर मनमानी करने का आरोप लगाने वाले समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे पेश करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मदन सहनी के समर्थन में विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने बयान दिया है, मगर जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष को मंत्री का समर्थन करना भारी पड़ गया।
पार्टी ने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष दीपक निषाद को उनके पद से छुट्टी दे दी है। दरअसल दीपक निषाद ने सहनी के समर्थन में उतरकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रधान सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, मगर पार्टी ने उनको पद से हटा दिया है। इस कार्रवाई को जदयू द्वारा मदन सहनी को एक मैसेज देने की बात बताई जा रही है। पिता की जयंती दिवस पर चिराग पासवान की मुहिम को मिला बड़ा साथ। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती को लेकर चिराग पासवान ने पूरे बिहार में अपनी आशीर्वाद यात्रा की मुहिम को शुरू कर दिया है। वहीं लोजपा की पारस विरोधी और जदयू विरोधी मुहिम को एक बड़ा साथ भारतीय सब पार्टी के मुखिया और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार का मिला है। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने इस मौके पर यह भी ऐलान कर दिया है कि वे चिराग पासवान के समर्थन में पूरे बिहार में प्रचार प्रसार करेंगे और उनकी पोजीशन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बताते चले कि 2018 में जहानाबाद से पूर्व सांसद रहे अरुण कुमार ने रालोसपा का दामन छोड़कर अपनी नई पार्टी भारतीय सब लोग पार्टी बनाई थी। वहीं आज पिता की जयंती पर चिराग पासवान ने एक इमोशनल ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप जहां कहीं भी होंगे मुझे इस कठिन परिस्थिति में लड़ते देख दुखी होंगे, लेकिन आप ही का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। सिल्वर जुबली के उद्घाटन में राजद ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को किया याद। राष्ट्रीय जनता दल के 25 सालों के सफर का आज सिल्वर जुबली कार्यक्रम बिहार में मनाया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं और नेताओं को लालू यादव की बिहार में ना मौजूदगी होना खल रही है, मगर लालू यादव इस मौके पर वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़े। वहीं आज के खास दिन में बिहार की राजनीति के सुरमा रहे और लालू के समकक्ष रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी जयंती दिवस है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने प्रदेश कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें लालू यादव ने भी अपनी उपस्थिति दिखाई। इस मौके पर लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के साथ आभासी माध्यम से जुड़ते हुए दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और रामविलास पासवान को याद किया। आईपीएल की दो नई टीमों के लिए बीसीसीआई ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। आने वाले आईपीएल के सीजन में दो नई टीमें जुड़ने वाली हैं। इसको लेकर बीसीसीआई ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इस साल अगस्त महीने में दोनों टीमों के लिए टेंडर निकाल दिया जाएगा और अक्टूबर के बीच में नई टीमों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस ब्लूप्रिंट में नई टीमों के अलावे खिलाड़ियों के रिटेंशन नियम, मेगा ऑक्शन पर्स की सैलरी बढ़ाने और ताजा मीडिया राइट्स के टेंडर जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। इसके तहत अक्टूबर तक इसकी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। वहीं उसके बाद साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में मेगा ऑक्शन का आयोजन करने की तैयारियां की जा रही है। देश भर में 24 घंटे में आए कोरोना के 40,000 से कम ताजा मामले। देश भर में ताजा मामलों में कमी आने के साथ ही लगातार रिकवरी रेट 97% के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 39,396 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 723 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 42,352 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीज की संख्या 4,82,071 हो चुकी है। वहीं बात अगर हम अब बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 109 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 211 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,435 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.47% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा अनलॉक 4 में दिए गए छूट से आप खुश हैं या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।